साइंस का खेला खेल 24 घंटे नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन। किस कारण से होगा यह चमत्कार? धरती का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। इसके कारण आगे आने वाले वक्त में धरती पर एक दिन पूरे 25 घंटे का हो सकता है। चांद सदियों से धरती के ऊपर आसमान में मौजूद है। यह कलाकारों, कवियों और रहस्यवादियों को प्रेरित करता रहा है और बच्चों को मंत्रमुग्ध करता रहा है। बहरहास रिसर्च में पाया गया है कि हमारा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है। यह खुद सीधे विज्ञान कथा से निकली लगती है, मगर यह सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। विस्कोसिन मेडिसन विद्यालय की एक टीम ने पता लगाया है कि चंद्रमा के पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जाने के बड़े असर हो सकते हैं। अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। नई सोच के मुताबिक इसका हमारे ग्रह पर दिनों की लंबाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आखिरकार इनका नतीजा यह होगा कि अगले 20 घंटे साल में धरती का एक दिन 34 घंटे का। सोच के यह भी पता चला है कि 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन 18 घंटे का से थोड़ा अधिक समय तक ही चलता था। यह घटना मुख्य रूप से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों के कारण होती है। यह विशेष रूप से धरती और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए ज्वारीय बलों के कारण होता है। विस्कोसिन मेडिसन विद्यालय में भूतपूर्व प्रोफेसर ने कहा है कि पृथ्वी पर घूमते हुए फिंगर स्केटर की तरह ही जैसे जैसे चंद्रमा दूर होता है जाता है, वह अपनी भुजाओं को फैलाते हुए धीमी हो जाती है। चंद्रमा का धरती से दूर जाना कोई नई खोज नहीं है। यह दर्शकों से पता है कि हालांकि विस्कोसिन मेडिसिन विश्वविद्यालय का अध्ययन इस घटना के ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक संदर्भ में गहराई से पड़ताल करता है। कर्ताओं ने अरबों साल पहले चंद्रमा पर सिस्टम से इतिहास का पता लगाया है। उन्होंने निष्कर्ष से पता लगाया है कि चंद्रमा की मौजूदा पीछे हटने की दरअसल अपेक्षा स्थिति है, जबकि पृथ्वी की घर्षण स्थिति और महाद्वीपीय बहाव सहित विभिन्न कारणों के कारण भूवैज्ञानिक समय सीमा में इसके उतराव चढ़ाव आया है।